गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। कल हमने हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत हमने पढ़ा था। ओके, हाइगेन सेकेंडरी वेवलेंथ प्रिंसिपल, उस पर बेसिस हमारे पास उसके थ्रू एप्लीकेशन होंगे। हाइगेन के सेकेंडरी वेवलेंथ जो प्रिंसिपल है उससे हम जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, परावर्तन के नियम और अपवर्तन के नियम हमने देखे थे, दोनों के दो दो नियम थे, उनका हम सत्यापन करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, बाय द हाइगेंस वेव थ्योरी, बाय द हाइगेंस वेव थ्योरी। ठीक है, हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन था अपवर्तन के नियमों की व्याख्या बोले तो परावर्तन और अपवर्तन के नियमों का सत्यापन करना है हमें हाइगेन के तरंग सिद्धांत से। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बाय द हाइगेंस वेव थ्योरी। ओके, ये हेडिंग आप डालोगे। बोर्ड एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। एक बार हम रिफ्लेक्शन और एक बार रिफ्रैक्शन, दोनों के लॉज जो है उनका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे बाय हाइगेंस वेव थ्योरी। ओके, तो हेडिंग डाल लेना ये आप। ओके, अब पहले हम रिफ्लेक्शन के जो लॉज है उनका हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, उनकी व्याख्या कर लेते हैं। हाइगेन की तरंग सिद्धांत से परावर्तन के नियमों की व्याख्या। पहले हम परावर्तन के नियमों की व्याख्या करेंगे, उसके बाद में अपवर्तन। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेन, हाइगेंस वेव थ्योरी। ओके, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उनको हम रेक्टिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द हाइगेंस वेव थ्योरी, हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन के नियमों की व्याख्या हम करेंगे। ठीक है ना, परावर्तन के दो नियम थे। पहला नियम ये था कि आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा ये था कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज ओके आर लाइज इन सेम प्लेन। ये दो अपने पास लॉज है, इनको हम प्रूव करेंगे विद हेल्प ऑफ द हाइगेंस वेव थ्योरी, हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर हम परावर्तन के नियमों की व्याख्या करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ये एडिंग डाल लेना। तो ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ओके, तो पहले इसका हम रे डायग्राम देखते हैं। ठीक है, तो इसका हम रे डायग्राम देखेंगे। पहले किरण चित्र रे डायग्राम समझना, इसका रे डायग्राम से ही मिलेगा हमें इसका एक्सप्लेनेशन। रे डायग्राम किरण चित्र, अब यहां से देखो रिफ्लेक्शन करना है बोले तो परावर्तन करना है, तो परावर्तन के लिए हमें कोई परावर्तक पृष्ठ लेना पड़ेगा या हम दर्पण ले सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ होता है दर्पण, मिरर हम यूज में लेंगे। और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से, तो हम हाइगेन के तरंग सिद्धांत में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हमें तरंग नहीं लेनी है, हमें क्या लेना है, तरंगाकर लेना है। हम कोई तरंगाकर है वो किसी परावर्तक पृष्ठ पर, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट करवाएंगे और हम रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है परावर्तित तरंगाकर प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। ओके, तो यूजिंग दिस स्केल ये हमने कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लिया,
दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक पृष्ठ है ये, इसको हमने बोल दिया एम एम डैश, ओके, इसको हमने बोल, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। परावर्तक पृष्ठ है, ओके, इस परावर्तक पृष्ठ पर हमें कोई वेव फ्रंट है, कोई तरंगाग्र आपतित करवाना है, ओके, वेव नहीं तरंगाग्र, हाइगेन का तरंग सिद्धांत हमने पढ़ा था, ठीक है ना, उसमें हम क्या वेव फ्रंट ही लेते हैं, तो हम कोई वेव फ्रंट है, ये हमारे पास कोई वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है, ये हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है, इसको मैंने पॉइंट दे दिया ए और इसको दे दिया बी, ए बी हमारे पास क्या है, एक प्लेन वेव फ्रंट है, इसको हम इस प्लेन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो समतल परावर्तक पृष्ठ है, उस पर आपतित करवा रहे हैं, मान लिया कि ये इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो आई बना रहा है, वो हम बाद में देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इस जो वेव फ्रंट है, ये जो तरंगाकर है, ठीक है ना, इसको नहीं लेना है, इसको हम परावर्तित नहीं करवाएंगे, हम कॉन्सेप्ट जो लेंगे वो किरणों का लेंगे, प्रकाश किरणों का लेंगे, लाइट रे का लेंगे, तो लाइट रे जो होती है हमें पता है कि तरंगाकर के क्या होती है, लंबवत होती है, तो हम इसके परपेंडिकुलरली टू लाइट रे ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर दिए तभी आपका डायग्राम एकदम करेक्ट बनेगा, ठीक है, तो हमने ऐसे दो परपेंडिकुलरली लाइट रे ले ली, जो इस वेव फ्रंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, आपको भी ऐसे विद हेल्प ऑफ स्केल, देखो ये 90 डिग्री एंगल होगा, इस ये रे है इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है, इसको हमने 1 बोल दिया, इसको हमने 2 बोल दिया, 1 और 2, ओके ओके, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है नीचे वाला, तो हमें पता है कि रिफ्लेक्शन होगा, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फर्स्ट मीडियम में जाएगी, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम हमने क्या मान ली, सी मान ली, प्रकाश की जो चाल है इस माध्यम में हमने मान ली क्या, इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, सी है, क्या है, सी है, कहने का मतलब इस मीडियम में ये जो लाइट रे है या हम कहें सेकेंड वेवलेट्स है वो सी स्पीड से ट्रेवल करेंगी इस मीडियम में, ठीक है ना, कैसे भी ट्रेवल करे, ओके, एक मीडियम में लाइट की स्पीड है वो सेम रहती है, समान ही होगी, ठीक है ना, ओके, अब देखिए, अब समझो इसको, ये जो होगा ए बी वो प्राइमरी वेव फ्रंट होगा, वो किसी लाइट सोर्स से, ये जो लाइट रे है वो किसी लाइट सोर्स से आ रही है, इसके पथ में ये प्लेन वेव फ्रंट बना है, इसको प्राइमरी वेव फ्रंट बोलेंगे, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार, ये जो प्राथमिक तरंगाकार, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, इस पर स्थित प्रत्येक जो कण है या प्रत्येक बिंदु है वो नए सूक्ष्म प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है, ओके, ऑल पॉइंट्स या ऑल पार्टिकल लाइज ऑन दिस प्राइमरी वेव फ्रंट बिहेव एज ए न्यू पॉइंट सोर्सेस, ओके, तो हम, ये हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट है, इस पर हमारे पास दो पॉइंट है, ए और बी, ए और बी दोनों जो पॉइंट है वो भी नए लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, तो बी से भी सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस होगी और ए से भी सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ए और बी दो नए लाइट सोर्स है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल, हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार, ये प्राथमिक अगर तरंगाकर लेंगे तो इस पर हमने अगर दो बिंदु लिए है ए और बी, तो ये नए सूक्ष्म प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करेंगे, ठीक है, तो देखिए अब बी से जो इस बी जो हम इसको हमने पॉइंट सोर्स मान लिया, तो इस बी से जो उत्सर्जित तरंगिका है, ठीक है ना,
इसे जो द्वितीयक तरंगिका है, इसे जो सेकेंडरी वेवलेट्स जो प्रोड्यूस होगी वो भी देखो, हमें पता है कि भाई ये लाइट रे वो ये सेकंड जो हम सेकंड मार रहे हैं ये लाइट रे वो इसी मीडियम में चल रही है, तो बी से जो मतलब ओरिजिनेट होगी इससे जो उत्सर्जित होगी वो भी इसी मीडियम में ट्रेवल करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, तो किसी एक मीडियम में लाइट है वो अपने पाथ को चेंज नहीं करती है, तो बी से जो लाइट रे है वो प्रोड्यूस होगी तो वो ऐसे सीधे की सीधे ही ट्रेवल कर जाएगी ऐसे, और इस पर ऐसे इंसिडेंट हो जाएगी। ओके और नॉट ओके, ऐसे इंसिडेंट हो जाएगी इस पर। ओके, अब बताइए बी से जो सेकेंडरी वेवलेट आई है, ये बी से सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस हुई है वो कितने स्पीड से ट्रेवल कर रही है, सी स्पीड से ट्रेवल कर रही है। मान लिया कि ये जो बी से जो सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस हुई है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, इसको मैं पॉइंट मान लेता हूँ ए बी ए डैश, तो ये बी ए डैश डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस हम मेजर करते हैं क्या होगी। मान लिया कि सेकेंडरी वेवलेट को बी से ए डैश पॉइंट तक पहुंचने में इसको टाइम है वो स्मॉल टी लग रहा है, कितना समय लग रहा है स्मॉल टी, और किस स्पीड से ट्रेवल कर रही है, सी से कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो ये दूरी क्या होगी टी ए डैश, ये डिस्टेंस क्या होगी, हमें पता है कि ये सी स्पीड से चल रहा है तो टी समय में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड सी है चाल सी है समय क्या है टी, तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सी टी, बी ए डैश जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी सी टी होगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें पता है कि जो इंसिडेंट रे है, हमने यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, हम ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ओके, ये इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ आई कोण बनाती है, क्या बनाती है आई कोण बनाती है, ठीक है। ये हमें पता है कि इंसिडेंट रे है वो इसके साथ कितना 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब देखो ये लाइट रे है वो भी इसके साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये अगर आई कोण है तो ये कितना हुआ, ये 90 माइनस आई हुआ, ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल हुआ 90 माइनस है आई, इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, एक बार हमने थीटा मान लिया, आप थीटा की वैल्यू निकाल लो। अब देखो ये नॉर्मल है तो ये टोटल एंगल कितना हुआ 90 हुआ, इसका मतलब 90 माइनस आई प्लस थीटा, ये 90 माइनस आई है प्लस थीटा, इन दोनों का एडिशन कितना होगा 90 होगा, तो 90 से 90 कैंसिल, आई को इधर भेज दो तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आई हो गया, ठीक है समझ में आ गया। तो दैट मींस अगर हम अपना ये एंगल आई है इसको मैं मिटा देता हूं, ये सिर्फ केवल समझाने के लिए बनाया था। ओके, ये एंगल आई है बोल तो इंसिडेंट रे है, आपकी किरण अवलंब के साथ जितना कोण बनाएगी, ये जो तरंगाकर है, ये तरंगाकर है वो इस परावर्तक पृष्ठ के साथ उतना ही कोण बनाएगा आई, ठीक है ना। ये जो आपतित तरंगाकर है, ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट है, ये जो प्राथमिक तरंगाकर है वो इस परावर्तक पृष्ठ के साथ आई कोण बना रहा है, ठीक है। कितना कोण बना रहा है आई कोण बना रहा है, ठीक है। ओके, अब देखो बी से जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो तो ऐसे सीधी चली गई और यहां से यहां तक इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है सी टी। अब हम ए से, ये जो ए पॉइंट है ये भी प्राइमरी वेव फ्रंट पर है, इस ए से जो सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस होगी वो कैसे ओरिजिनेट होगी, वो कैसे उत्सर्जित होगी वो हम देखेंगे। ए से जो लाइट रे प्रोड्यूस होगी तो क्या वो नीचे जाएंगी, नहीं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ए से जो प्रोड्यूस होगी वो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर ही जाएगी, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक सतह है तो इसे रिफ्लेक्शन ही होगा, तो ऊपर की तरफ जाएंगी, और ऊपर की तरफ जाएंगी तो वो कितनी वेलोसिटी से, कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगी। अगेन ए से जो आपकी सेकेंडरी वेवलेट है द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी वो भी इसी मीडियम में ट्रेवल करेंगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन, परावर्तन के पश्चात इसी माध्यम में गमन करेंगी, इसी माध्यम में चलेगी, तो किसी एक माध्यम प्रकाश की चाल समान होती है, तो ए से जो उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं हैं
वो भी सी स्पीड से सी चाल से गति करेंगे और वो भी स्मॉल टी समय में उतने ही टाइम में स्मॉल टी समय में कितनी डिस्टेंस करेंगी सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अब ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी तो सी टी इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सी टी डिस्टेंस का ए को सेंटर मानकर, ए को सेंटर मानकर सी टी डिस्टेंस का आर्क लेंगे। क्या लेंगे, आर्क। हमें पता है कि ये बी से ए डैश तक ये डिस्टेंस क्या है, सी टी है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे प्रकार से ये डिस्टेंस मेजर कर लो, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी आ गई, सी टी आ गई। अब ए को सेंटर मानकर, ए को सेंटर मानकर हमने एक आर्क बना देते हैं, ठीक है। अब हम ए से इस आर्क पर कहीं भी ज्वाइन करो वो डिस्टेंस क्या होगी, सी टी डिस्टेंस ही होगी। क्या होगी, सी टी डिस्टेंस होगी। अब हमें क्या करना है, ए से हम ए को सेंटर लेकर, ए को केंद्र मानकर हम सी टी रेडियस का, सी टी त्रिज्या का चाप ड्रॉ कर देते हैं। सी टी है वो यहां से मापनी, ये सी टी के इक्वल है, ठीक है। अब हम ए डैश से इस चाप पर क्या टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ए डैश से इस चाप पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब देखो ये जो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो यहां पर ये मीट हो रहा है, ठीक है ना। ये जो टेंजेंट पॉइंट है जहां पर ये मिल रही है उसको हम मिला देते हैं, ओके। ये जो टेंजेंट पॉइंट है, ये जो टेंजेंट पॉइंट है, ठीक है, जहां पर ये जो हमने टेंजेंट ये स्पर्श रेखा खींची है वो इस कर्व पर, इस आर्क पर जहां पर टच कर रही है उस पॉइंट को इससे मिला दो, तो ये डिस्टेंस भी क्या है, सी टी है। क्या है, सी टी। इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, बी डेस मान लिया, ओके और नॉट ओके। इसको हमने क्या मान लिया, बी डेस मान लिया, ठीक है। इसी को आगे बढ़ा दो आप, ये जो लाइट रे है इसको हमने आगे बढ़ा दिया, ओके। तो देखिए ए बी अपना क्या था, आपतित तिरंगागर था, तो ए डेस बी डेस क्या होगा, परावर्तित तिरंगागर होगा। अपने आप ही हमें परावर्तित तिरंगागर मिल गया है, ठीक है ना। ये आपतित होगा, ये परावर्तित हो जाएगा, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आ जाएगा। देखो इससे ये जो परावर्तित तिरंगागर है, इस परावर्तित तिरंगागर, ये रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट है, इसके भी नॉर्मल लाइट रे होंगी। देखो ये इसके नॉर्मल है ना, ये परावर्तित किरणें थी ना, तो ये इस परावर्तित तिरंगागर के लंबवत है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार इसके लिए देखे तो इसके लिए भी 90 डिग्री का ऐसे बना दो, 90 डिग्री एंगल पर ये सेटल हो गई, 90 डिग्री पर नहीं भी सबको इसको, ये 90 डिग्री पर ऐसे आ गई, ठीक है। ये कौन सी थी, टू वाली थी, तो ये टू डेज ले लिया। ये कौन सी थी, वन वाली थी, तो इसको वन डेज ले लिया, ठीक है। अगेन देखो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, हम लेते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे आर बनाती है। क्या बनाती है, आर। अगेन ये आर है तो ये 90 माइनस आर, तो ये कितना हो जाएगा, ये अगेन आर एंगल हो जाएगा, ओके और नोट ओके। डायग्राम समझ में आ गया होगा अच्छे से, ओके। आपको पहले एक तिरंगागर, आपतित तिरंगागर है, ठीक है ना, समतल तिरंगागर, इसके दो नॉर्मल लाइट रे ली, बी से जो सेकेंडरी वेवलेंथ होगी वो सीधे डालनी है क्योंकि एक मीडियम में सीधी ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो वो स्मॉल टी टाइम में सीटी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बी से ए डेज तक, ठीक है। अगेन ए से जो सेकेंडरी वेवलेंथ जाएगी वो भी इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, तो वो भी स्मॉल टी टाइम में उसी स्पीड से ट्रेवल करेगी, तो सीटी डिस्टेंस से ट्रेवल करेगी। तो सीटी डिस्टेंस किधर जाएगा हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से
प्रकार की सहायता से ये हमने आर्क ले लिया, ये सिटी डिस्टेंस है और ए को सेंटर मानकर ओके केंद्र मानकर इस पर सिटी त्रिज्या का चाप ड्रॉ कर दिया। ए डे से इस चाप को स्पर्श रेखा या टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, जहां पे टेंजेंट पॉइंट मिलेगा उसे लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये ए डे बी डे क्या होगा, हमारे पास परावर्ती तरंगाग्र है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, या इसको सेकेंडरी वेवलेट वेव फ्रंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी वेवलेट्स है, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है ओके, और ये सेकेंडरी वेवलेट है। अब सेकेंडरी वेवलेट के जो पाथ में जो भी वेव फ्रंट बनता है उसको हम सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस डायग्राम को आप बना लेना, समझ में आ गया होगा सबको अच्छे से ओके। अब एरो लगा के नीचे लिखो, देखो डायग्राम ये मेन चीज, इस डायग्राम से ही हम प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उनको हम प्रूफ करेंगे ओके। लिखो एरो लगाकर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहते हैं पहले इंग्लिश मीडियम वालों को लिखाते हैं, हमें नहीं लिखा, पहले आपको लिखा देंगे। लिखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, चित्रानुसार 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 एक समतल तरंगाग्र ए बी चित्र को देखते जाओ और थोड़ी लिखते जाते हैं। ठीक है ना, चित्रानुसार एक समतल तरंगाग्र ए बी किसी परावर्तक पृष्ठ एम एम डेस पर किसी परावर्तक पृष्ठ एम एम डेस पर सतह के साथ आई कोण पर आपतित होता है, सतह के साथ आई कोण पर आपतित होता है, जिसके अविलंबित किरणें, इस आपतित तरंगाग्र के अविलंबित किरणें क्या है, ये है, जिसके अविलंबित किरणें 1/2 है, 1/2 है, अंकों में लिखना 1/2 है, इसके लंबवत किरणें, इस तरंगाग्र के लंबवत किरणें क्या है, 1/2 है ओके। कोड मेरा अगला पॉइंट लिखना एरो लगाकर, हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार, हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक तरंगाग्र ए बी, इसको प्राथमिक तरंगाग्र बोलेंगे, ये आपतित भी है और प्राथमिक भी है। हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक तरंगाग्र ए बी पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक नए सूक्ष्म प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है, एक नए सूक्ष्म प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करता है, कौन बेरा इसी का लिखना आता है, बिंदु बी से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं, बिंदु बी से उत्सर्जित अतः बिंदु बी से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं स्मॉल टी समय में कितनी दूरी तय करेंगी, स्मॉल टी समय में सीटी दूरी तय करेंगी, सीटी दूरी तय करेंगी। ठीक है, अब देखिए यहां से देखो, बी ए डेस बराबर क्या हो जाएगा, बी ए डेस जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, सीटी के बराबर है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। बी ए डेस
क्या है, सीटी के बराबर ही है। हमें पता है कि स्मॉल टी समय अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में स्मॉल टी समय लेती है तो चाल सी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, सीटी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है ना। ओके, समीकरण एक आ गई सबकी, आएगी नहीं आएगी, आ गई। अब एरो लगा कर लिखना, एरो लगाना नीचे वाली लाइन में। इसी प्रकार बिंदु ए से, बी से तो आ गई, ए से और देख लेते, दो ही बिंदु हमने लिए हैं इस पर, एक ए और ए, यहां से उत्सर्जित द्वितीयक तरंग का हमने ले ली, ए से और देख लेते हैं। इसी प्रकार बिंदु ए से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं परावर्तन के पश्चात परावर्तित होगी ना, नीचे थोड़ी जाएंगी, इधर आएंगी परावर्तन, परावर्तन के पश्चात द्वितीयक तरंगिकाएं परावर्तन के पश्चात स्मॉल टी समय में, स्मॉल टी समय में सीटी दूरी तय करेंगी, क्या करेंगी, सीटी दूरी ही तय करेंगी, स्मॉल टी समय में सीटी दूरी तय करेगी, क्योंकि चाल उतनी है और टाइम भी अगर उतना ही लिया तो दूरी भी उतनी ही होगी, सीटी दूरी तय करेंगी, पूर्ण विराम। अब सीटी दूरी तय किधर करेगी वो हमें नहीं पता, इधर भी सीटी, ये देखो इसको भी मिला सकते हैं, इसको भी मिला सकते हैं, इसको भी, देखो ये सब सीटी है, बट एक्चुअल में ये ऐसे ट्रेवल करेगी, ठीक है, वो हमें कैसे बनाना है वो देखो, पूर्ण विराम। आगे लिखो, बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र मानकर सीटी त्रिज्या का चाप बनाते हैं, सीटी त्रिज्या का चाप बनाते हैं, ए को हमने केंद्र मानकर, सीटी सीटी ये था, इसको हमने एक प्रकार से माप लिया, सीटी त्रिज्या का चाप बनाते हैं, तथा बिंदु ए डैश से इस चाप पर स्पर्श रेखा खींचकर स्पर्श बिंदु बी डैश प्राप्त करते हैं, बी डैश प्राप्त करते हैं, फोर विराम। यहां ए डैश बी डैश, जो ए डैश बी डैश हमें जो प्राप्त हुआ है, यहां ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगागर या परावर्तित तरंगागर या द्वितीयक तरंगागर है, जिसके अभिलंबत किरणें क्रमशः वन डेस व टू डेस है, ओके। तो यहां से हम देखें तो ए बी डेस, ये जो डिस्टेंस है ए बी डेस, ए बी डेस, ये जो डिस्टेंस है ए बी डेस, वो भी अपनी कितनी है, सीटी है, वो भी हमने सीटी त्रिज्या का चाप ही बनाया था, कोई क्वेश्चन नंबर टू आ गई नीचे वाली लाइन में, ए बी डी, ये जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, सीटी है, ओके और नोट हो गए। अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट नोट करेंगे एरो लगाकर, इस रे डायग्राम को हम, इसको रे डायग्राम को ही हमें लिखना है, हम इस रे डायग्राम में हमने क्या क्या किया है, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एरो लगाकर लिखो, अकॉर्डिंग टू फिगर ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी, अकॉर्डिंग टू फिगर ए प्लेन वेव फ्रंट ए बी हुज नॉर्मल रेज आर वन एंड टू, हुज नॉर्मल, नॉर्मल होते परपेंडिकुलर, नॉर्मल रेज आर
वन एंड टू, कोमा इंसिडेंट ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस एम एम डेज, कोमा इंसिडेंट ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस एम एम डेज एट एंगल आई एट एंगल आई एट एंगल आई ओके फुल स्टॉप। अगला पॉइंट लिखा, अगला पॉइंट अकॉर्डिंग टू हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल, सेकेंडरी वेवलेट से प्रिंसिपल, ईच पॉइंट लाइज ऑन प्राइमरी वेवफ्रंट ए बी, ईच पॉइंट लाइज ऑन प्राइमरी वेवफ्रंट ए बी आर बिहेव एज न्यू पॉइंट सोर्सेस, आर बिहेव एज न्यू पॉइंट सोर्सेस, न्यू पॉइंट सोर्सेस फुल स्टॉप। सो सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पॉइंट बी, सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पॉइंट बी ट्रेवल्ड सिटी डिस्टेंस, ट्रेवल्ड सिटी डिस्टेंस इन स्मॉल टी टाइम, इन स्मॉल टी टाइम। बी से जो सेकेंडरी वेवलेट जाएगी तो एक ही मीडियम में लाइट सीधी चलती है, तो बी से जो सेकेंडरी वेवलेट जाएगी वो सीधी जाएगी। स्मॉल टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो सी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बी से ए डेज में। ओके तो नीचे लिख लेना, हेंस बी ए डेज, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी बी ए डेज दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी सी टी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन आ गई, इक्वेशन नंबर वन आ गई सबकी। ओके अगला पॉइंट लिखना एरो लगाकर, सिमिलरली सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पॉइंट ए, ए से हम प्रोड्यूस करके देखते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पॉइंट ए प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पॉइंट ए ट्रेवल सिटी डिस्टेंस इन स्मॉल टी टाइम आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ट्रेवल्ड सिटी डिस्टेंस इन स्मॉल टी टाइम आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद में, ठीक है, ये आ रही थी रिफ्लेक्ट होकर, ए से रिफ्लेक्ट होकर सिटी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इतने ही टाइम में, टी टाइम में उतनी ही वेलोसिटी स्पीड से अगर ट्रेवल कर रही है तो उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर टाइम और स्पीड अगर सेम है तो डिस्टेंस भी सेम ही ट्रेवल करेगी। ओके ट्रेवल सिटी डिस्टेंस इन स्मॉल टी टाइम आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ओके फुल स्टॉप। आगे लिखो, नाउ पॉइंट ए टेकन एज ए सेंटर, नाउ पॉइंट ए टेकन एज ए सेंटर एंड ड्रॉ ए आर्क ऑफ रेडियस CT and draw an arc
ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस है सीटी, ए को सेंटर लेकर इसको मेजर कर लिया, ये सीटी है और आर्क लगा दिया, वो आर्क यहाँ से ए से इस आर्क पर कहीं भी मिलाएंगे तो डिस्टेंस क्या आएगी, सीटी आएगी। ओके, दो एन आर्क ऑफ रेडियस है सीटी। ओके, फुल स्टॉप लिखो। ए टेंजेंट इज ड्रॉन ऑन दिस आर्क, ए टेंजेंट इज ड्रॉन ऑन दिस आर्क फ्रॉम पॉइंट ए डेज से हम इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एंड ए टेंजेंट इज ड्रॉन ऑन दिस आर्क फ्रॉम पॉइंट ए डेज एंड ऑब्टेंड टेंजेंट पॉइंट बी डेज एंड ऑब्टेंड टेंजेंट पॉइंट बी डेज। इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु टेंजेंट पॉइंट मिलेगा वो हमें बी डे से मिल जाएगा। ओके, फुल स्टॉप। देखो, हियर ए डैश बी डैश इज, हियर ए डैश बी डैश इज रिफ्लेक्टिंग ए वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेवफ्रंट हुज नॉर्मल रेज आर वन डेज एंड टू डेज, हुज नॉर्मल रेज आर वन डेज एंड टू डेज। ओके, तो ये जो हमारे पास मिला है ए डेज बी डेज, ये ऐसे इंसिडेंट हुआ था, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, इंसिडेंट रे थी ये, ठीक है, तो ये इंसिडेंट वेवफ्रंट के नॉर्मल है, ठीक है, आपतित किरणें हैं वो इस आपतित तरंगागर के लंबवत है और ये परावर्तित जो तरंगागर है रिफ्लेक्टिंग वेवफ्रंट है उसके परपेंडिकुलर ये क्या होगी, परावर्तित किरणें हो गई, ठीक है ना। ओके ओके, अब देखिए हमें पता है कि हेंस ये जो डिस्टेंस हमने ली है ए बी डेस, ये आर्क लिया था सी टी, तो ये डिस्टेंस ए बी डेस भी क्या हो जाएगी, ए बी डेस इक्वल टू सी टी, ये इक्वेशन नंबर टू आ गई। ओके, अब देखो डायग्राम में हमने बाय मिस्टेक आर एंगल ये ले लिया था, तो आर एंगल ये होगा, ठीक है ना, इंसिडेंट जो वेव फ्रंट है वो इस सरफेस के साथ आई एंगल बनाएगा और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इसके साथ आर एंगल बनेगा, ये है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, इसके साथ बनेगा ये आर एंगल, ये देखो आर है, ये 90 माइनस आर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो ये आर बनाना आप डायग्राम में, ठीक है ना, ये आर लेना, ठीक है, डायग्राम को सही कर लेना, बाय मिस्टेक हो जाती है, छोटी छोटी गलतियां बड़े बड़े देशों में। ओके ओके, अब देखिए अब इसका हम प्रूफ करेंगे, हमारे पास दो लो होते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, ये आपने डायग्राम के साथ में बनाया होगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ऊपर से इसको मिटा देते हैं, डायग्राम को रख लेते हैं क्योंकि डायग्राम की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो स्टेप वन, दो स्टेप में चलेंगे, बोले तो दो हमारे पास लो होते हैं, तो दो स्टेप, प्रूफ ऑफ फर्स्ट लो, ठीक है, प्रथम नियम का सत्यापन, पहले नियम को हम सत्यापित कर लेते हैं कि I बराबर R था वो इस हाइगेन की द्वितीयक तरीका को सिद्धांत से हम प्रूव करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहां से देखो, फ्रॉम द फिगर, फिगर से चलेंगे, फ्रॉम द फिगर हमारे पास इस फिगर में दो राइट एंगल ट्रिंगल है, ए बी ए डेस, ए बी ए डेस ये राइट एंगल ट्रिंगल है और एक है ए बी डेस ए डेस, ये भी राइट एंगल ट्रिंगल है, इन ट्रिंगल ए बी ए डेस एंड ए ट्रिंगल ए बी डेस ए डेस। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, चित्र से
चित्र से त्रिभुज ए बी ए डैश व त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए हमारे पास यहां से तीन पॉइंट निकल के आएंगे। ओके, मैं इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को काम में लेंगे, बाद में देख लेंगे इसको। तो तीन पॉइंट निकल के आएंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए एंगल ए बी ए डैश इज इक्वल टू एंगल ए बी डैश ए डैश दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ए बी ए डैश ये 90 डिग्री है, ए बी डैश ए डैश ये 90 डिग्री है, दोनों ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री मतलब इक्वल है, एक एंगल क्या है इक्वल है। सेकंड पॉइंट देखो, आर्म या साइड आर्म ए ए डैश इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स, ओके बुझा, ए ए डैश दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ। ओके, आरम ए ए डैश जो है इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स, दोनों ही ट्रायंगल में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, बोले तो यह भुजा इसमें, ये जो भुजा है वो इस ट्रायंगल में भी है और ये भुजा है वो इस ट्रायंगल में भी है, ए बी डैश ए डैश में भी है, बोले तो ए की भुजा वो दोनों ट्रायंगल में, मतलब एक भुजा कॉमन है दोनों में, इक्वल है, कहने का इक्वल है। थर्ड पॉइंट देखो, आर्म बी ए डैश दैट इज इक्वल टू ए बी डैश दैट इज इक्वल टू सी डी। ओके और नॉट ओके, ओके और नॉट ओके। देखिए इस ट्रायंगल में दोनों में देखे तो बी ए डैश भी सी टी था और ए बी डैश भी सी टी, दोनों सी टी के इक्वल है कि नहीं, इक्वेशन वन और टू से हम देखें तो दोनों सी टी के इक्वल नहीं है क्या। अब देखिए हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल से तीन तीन कंडीशन मिल गई कि एक एंगल इक्वल है और दो साइड इक्वल है, ये साइड तो कॉमन है तो दोनों में है तो इक्वल होगी और ये साइड भी दोनों में इक्वल है, तो किसी दो ट्रायंगल में एक एंगल इक्वल हो और दो साइड अगर इक्वल हो तो दोनों जो ट्रायंगल्स होंगे वो क्या होंगे कॉनग्रुएंट होंगे, क्या होंगे कॉनग्रुएंट होंगे, ठीक है ना। हेंस ट्रायंगल ए बी ए बी ए डैश एंड ए बी डैश ट्रायंगल ए ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश आर कॉनग्रुएंट। कॉनग्रुएंट देख लेना, ओके कॉनग्रुएंट दोनों क्या होंगे कॉनग्रुएंट होंगे। दोनों जो ट्रेंगल्स हैं वो क्या है कॉन्ग्रुएंट है, और अगर मान लो दो ट्रेंगल अपने पास अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल की क्या कंडीशन होती है, तो कॉन्ग्रुएंट अगर टू ट्रेंगल है तो दोनों ट्रेंगल की जो आर्म से और जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्म्स और कॉरस्पॉन्डिंग ट्रेंगल्स क्या होंगे इक्वल है होंगे, ठीक है ना। ओके
के दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश परस्पर क्या है, सर्वांग सम है। सर्वांग सम होंगे, ओके। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, म्यूचुअली कॉन्ग्रुएंट होंगे, परस्पर सर्वांग सम होंगे, ठीक है ना। तो अगर दो त्रिभुज अपने पास अगर सर्वांग सम है तो उनके संगत कोण भी बराबर होगा। ये कोण इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी, ये कोण इसके बराबर होगा और ये जो एंगल है ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो दैट मीन्स अगर दो ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है देन क्या होगा, देन कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। हेंस हेंस अतः है, हेंस अतः है एंगल जो आई है या हम कहें एंगल बी ए एडेस, बी ए एडेस दैट इज इक्वल टू, बी ए एडेस दैट इज इक्वल टू एंगल ए व्हाट, बी डैश एडेस ए, बी डैश एडेस ए इक्वल, और ये एंगल कितना है आई है और ये एंगल क्या है आर है। अगर दो ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास इंसिडेंस एंगल था, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ ए, दैट इज ए फर्स्ट लॉ ऑफ ए रिफ्लेक्शन, ठीक है। यही परावर्तन का प्रथम नियम है, ठीक है ना। तो प्रथम नियम को हमने वेरीफाई कर लिया है, इन दोनों ट्रेंगल से ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि ये तीन कंडीशन है इसमें ओबेड हो रही है, लागू हो रही है। तो अगर किसी दो ट्रेंगल में अगर दो भुजाएं बराबर हो और एक कोण बराबर होता है तो वो दोनों जो त्रिभुज होंगे वो सर्वांग सम होंगे, और अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। यहाँ पर ये जो संगत कोण है वही संगत कोण के बराबर होगा, ये कोण आई है तो ये कोण आ रही है, दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, यही परावर्तन का प्रथम नियम है। हिंदी मीडियम वाले नीचे लिखेंगे यही परावर्तन का प्रथम नियम है। तो प्रथम नियम का हमने सत्यापन कर लिया है, ठीक है। स्टेप सेकंड, प्रूफ ऑफ सेकंड लॉ। प्रूफ ऑफ है सेकंड लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ क्या था, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर लाइज इन सेम प्लेन, आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में स्थित होते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे समझते हैं, देखो देखिए ये हमारे पास क्या है, वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है वो सरफेस है। यहाँ पर तो आपको ए बी जो वेव फ्रंट दिख रहा है वो एक लाइन नजर आ रही है, पर एक लाइन नहीं है, एक सरफेस है, ऐसे 2D में होगा सरफेस, ये ऐसे इंसिडेंट हो रहा है तो हमें ये आगे वाली लाइन ही दिख रही है, ठीक है ना। एक्चुअल में जो प्लेन जो आपका जो वेव फ्रंट है समतल तरंग अगर वो ऐसा है, वो ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऐसे मिरर है, तो मिरर ये लाइन नहीं है, ऐसे मिरर है, ये मान लो फर्श है, ये ठीक है ना, मिरर है, ये मिरर भी क्या है इस बोर्ड के क्या है परपेंडिकुलर है, और ये भी क्या है, ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो भी क्या है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, और रिफ्लेक्टेड जो वेव फ्रंट है वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है वो भी इस बोर्ड के क्या है, देखो बोर्ड के क्या है परपेंडिकुलर है कि नहीं है। अब देखो इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है आपकी जो तरंगागर है वो इस बोर्ड के क्या है परपेंडिकुलर है ना, और ये जो इंसिडेंट रेज होती है वो इस वेव फ्रंट की क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, ठीक है ना। तो इंसिडेंट जो वेव फ्रंट है वो तो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है और रेज है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, इसलिए रेज और ये जो बोर्ड होगा वो एक ही प्लेन में होंगे। क्यों, क्योंकि
क्या ये उसके परपेंडिकुलर है, वो उसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब रेज और बोर्ड क्या होंगे, पैरेलल होंगे, बोले तो एक ही प्लेन में होंगे। इसी प्रकार देखो ये आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक सतह है, वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है और ये नॉर्मल है। देखिए नॉर्मल क्या है, इससे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर है और नॉर्मल जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसलिए नॉर्मल जो होगा वो इसी प्लेन में ही होगा। इसी प्रकार ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये देखो रिफ्लेक्टिंग जो वेव फ्रंट है, परावर्तक जो वेव फ्रंट तरंगाकर है वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये इस बोर्ड में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एडिंग डालना स्टेप सेकंड में, देखो since incident wave front, comma, reflecting surface and reflected wave front are perpendicular to the plane of paper, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। मेरे पास बोर्ड है, आपके पास जो प्लेन होगा वो पेपर ही होगा, कागज पर आप लिखते हो कॉपी में, तो प्लेन ऑफ पेपर जो पेपर का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर कोमा, सो इंसिडेंट रेज कोमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर लाइज इन ए प्लेन ऑफ ए पेपर, प्लेन ऑफ पेपर में ही होंगी वो, क्यों, क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर क्या होती है, पैरेलल होती है और पैरेलल बोलते उसी प्लेन में होगी, ठीक है। सो इंसिडेंट रेज कोमा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर लाइज इन ए प्लेन ऑफ ए पेपर, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे चूंकि आपतित तरंगागर कोमा परावर्तक पृष्ठ वह परावर्तित तरंगागर कागज के तल के लंबवत स्थित होते हैं, कागज के तल के लंबवत स्थित होते हैं, इसलिए आपतित किरणें कोमा अभिलंब वह परावर्तित किरणें कागज के तल में ही स्थित होंगे, कागज के तल में ही स्थित होंगे। ओके, देखिए ये कोई नॉर्मल लाइन है, ये कोई लाइन है, ठीक है, इसके नॉर्मल में ड्रॉ करता हूं, ये इसके नॉर्मल है, बट अगर इसके मैं नॉर्मल बनाता हूं तो इसके नॉर्मल ये हो गई, ये इसके नॉर्मल है, तो ये फर्स्ट है, ये टू है, ये थर्ड है, ठीक है। सेकंड जो है वो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में क्या है, नॉर्मल है, और थर्ड क्या है, सेकंड के रिस्पेक्ट में नॉर्मल है, तो फर्स्ट और थर्ड क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी ना, हो जाएगी, तो यही रीजन है कि इंसिडेंट रे है वो इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है और वेव फ्रंट है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये जो रे होंगी वो प्लेन में ही होंगी, तो दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ है, नीचे लिखना, इसी के आगे लिखना, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ ए रिफ्लेक्शन, यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। हिंदी में वाले बच्चे लिखेंगे यही परावर्तन का द्वितीय नियम है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप इसका अच्छे से डायग्राम बनाना विद हेल्प ऑफ स्केल पेंसिल और प्रकार की सहायता से आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर एंगल होना चाहिए, आप ये नहीं कि ऐसे ड्रॉ कर दोगे, ऐसे नहीं करनी, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी आपका डायग्राम सही बनेगा। देखो ये हाइट, ये दोनों जो आपकी साइड है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना, ये एंगल भी इक्वल होने चाहिए, मतलब ये जो ट्रायंगल है
वो इस ट्रिंगल पर पूरा अध्यारोपित हो जाना चाहिए, सुपर इम्पोज होना चाहिए, एक जैसे ट्रिंगल रख जाना चाहिए। वो तभी आपका डायग्राम सही बनेगा जब आप ये राइट ट्रिंगल लोगे, फिर आर्क लोगे एकदम सही थी उस प्रकार की सहायता से, तभी आपका डायग्राम सही बनेगा, ठीक है ना। तो ये बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिफ्लेक्शन वाला, रिफ्लेक्शन जो अपवर्तन के नियमों का हम सत्यापन करेंगे, वो बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 टाइम से पूछा जा चुका है, ठीक है ना। वो पिछली साल भी 2020 में भी आया था, 4 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था, साथ में तिरंगा अगर किसे कहते हैं, ठीक है ना, व्हाट इज अ वेव फ्रंट, ओके, एंड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विद हेल्प ऑफ द हाइगेन वेव थ्योरी विद सुटेबल रे डायग्राम, ठीक है ना। तिरंगा अगर किसे कहते हैं, ओके, हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। तो अपवर्तन के हमारे पास 2 नियम थे, एक स्नेल का नियम था और एक यही आपकी किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण कागज के तल में स्थित होती है, ये दोनों नियम हम कल सत्यापित करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, इसको आप अच्छे से समझ के इसको एक कॉपी में नोट कर लेना, थैंक यू। तो इस चैप्टर के आप साथ साथ नोट्स है वो आप लिखते जाओ, ठीक है ना। ये नहीं है कि आज का काम आज ही कंप्लीट कर रहा है, कल पर मत छोड़ो, ठीक है ना। स्कूल कब शुरू होगी किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासें वो जारी रहेंगी, जो बच्चे अभी तक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो पढ़ाई से दूर है, वो ये सोच रहे हैं कि भी स्कूल लगेगी तभी पढ़ना है, तो वो बहुत ही पीछे हो जाएंगे, क्योंकि टाइम है वो आगे बहुत ही कम बचेगा बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए बी सीरियस हो जाओ पढ़ाई के प्रति। जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो अभी से जुड़ जाओ, अभी आप इतने पीछे नहीं हो, अभी एक ही चैप्टर हुआ है, लेकिन अगर मान लो जुलाई में या अगस्त में स्कूल खुलती है तो दो इतने में आपके 2-3 चैप्टर हो जाएंगे, तो और बहुत पीछे हो जाओगे आप, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना, ठीक है ना। धन्यवाद।